दिल्ली से बड़ी खबर है। इस वक्त दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक है। आज यूपी में बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर ऐलान हो सकता है। सोमवार को बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जिसमें अमित शाह, सीएम योगी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में नामों को लेकर मंथन किया गया और आज ये माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक होगी और शायद नामों का ऐलान किया जा सकता है जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। सीईसी की मीटिंग है आज और इस मीटिंग में ये माना जा रहा है कि नामों का ऐलान हो सकता है जो अभी बची हुई सीट है जिन पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं उनको लेकर मंथन कल हुआ। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री शामिल हुए, सीएम योगी शामिल हुए और आज ये माना जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद सीईसी की बैठक हो सकती है। मयूर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, सीईसी की बैठक हो सकती है आज, नामों का ऐलान संभव? बिल्कुल, देखिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कल हुई थी और जिस तरीके से पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं और जो संगठन के लोग हैं उनके साथ बैठक की गई, उसमें अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहे और जो बची हुई सीटें हैं उन पर जो नामों पर मंथन कल किया गया है। तो आज एक बार फिर से बैठक हो सकती है और बैठक के बाद एक नई सूची भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जारी कर सकती है। देखिए, मैनेजमेंट को समझिए कि 403 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कितने लोग एक एक विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, उनके एक एक नाम पर चर्चा करना, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का, आप देख सकते हैं खुद अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक नामों पर चर्चा कर रहे हैं और दिल्ली में इसकी बैठक हो रही है कि जिताऊ प्रत्याशी हमको इस बार उतारने हैं, जातीय समीकरण है उसको समझना है और जो फीडबैक जो भी कहीं ना कहीं डीपी मंथन किया जा रहा है और उसके बाद ही पार्टी आगे बढ़ रही है। मयूर, आपके पास लौटती हूँ अभी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपके जरूरत की सभी खबरें।